यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पेन कॉलर बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इस आसान तरीके से आप अपनी किसी भी साइज की किसी भी कुर्ती के लिए आसानी से कॉलर बना के लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कॉलर की कटिंग करना, स्टिचिंग करना, मेजरमेंट लेना और कितनी कॉलर की चौड़ाई रखनी चाहिए, कितनी नहीं रखनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें ताकि जब भी आप अपनी किसी भी साइज की कुर्ती के लिए कॉलर बनाएं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कॉलर बनाने के लिए बुकरम ली है और ये मैंने कपड़ा लिया है। इस कपड़े की हम कॉलर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉलर का मेजरमेंट लेना बता दूं। यहाँ पे मैंने दो तरह के नेक लिए हैं, एक मैंने हेल्प कॉलर वाला नेक लिया है और एक मैंने ताबीज वाला नेक लिया है जिसमें राउंड पेन कॉलर लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा ताबीज वाला नेक है और ये हेल्प कॉलर वाला नेक है। तो जैसे आपको इस नेक के लिए कॉलर तैयार करनी है तो पहले तो आपको सिंपली ऐसे नेक तैयार कर लेना है और उसके बाद में बैक और फ्रंट को अटैच कर लेना है। आपका किसी भी शेप का नेक हो उससे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी शेप के नेक पे आप ये कॉलर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऐसे मेजरमेंट लेना है और जितनी बड़ी आपको कॉलर चाहिए, जैसे मैं 12 इंच की मेरी कॉलर है, अगर आपको 12 इंच की कॉलर तैयार करनी है तो आपको 13 इंच की बुकरम लेनी है। यानी कि जितनी भी आपकी कॉलर है 11, 12, 13, उससे आपको 1 इंच बुकरम एक्स्ट्रा रखनी है। और इस कॉलर में हम राउंड नहीं देते हैं, ये सिंपल कटती है और ये वाली कॉलर में हम राउंड देते हैं। तो ये मैं आपको कटिंग करती समय समझा दूंगी। तो इसका मेजरमेंट लेना मैंने आपको बता दिया है, तो इसको मैं एक साइड में रख दूंगी। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट लेना बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऐसे बिल्कुल बराबर करके आपको नेक पकड़ना है। ये हमारी ऊपर कॉलर है तो आपको नीचे से मेजरमेंट लेना है। ये मेरा तैयार नेक है तो इसका मैं आपको मेजरमेंट लेना बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नीचे से 8 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे 8 इंच आ रहा है, तो 8 का हम डबल करेंगे तो 16 इंच होगा। यानी कि हमारी जो कॉलर है वो 16 इंच की तैयार रहेगी। तो 16 इंच की हम कॉलर बनाएंगे तो हमको 17 इंच की बुकरम लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने 17 इंच की बुकरम ली हुई है। अब मैं इस पे अपनी कॉलर की कटिंग करूँगी। चौड़ाई मैंने इसकी ली है 3.5 इंच। अब इसको हम बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको हम ऐसे रख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये खुले वाली साइड है और ये बंद वाली साइड है। बंद वाली साइड से हम यहाँ से देखिए, इस नोक से और यहाँ पे इस कॉर्नर तक इसमें राउंड देंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम इसमें राउंड देंगे और इसके बाद हम कॉलर की, जैसे हम 16 इंच की कटिंग करेंगे तो यहाँ से हम 8 इंच पे ऐसे रखेंगे और जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ पे हम इस टेप को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे हमारा 8 इंच आता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको ऐसे सीधा कॉलर का नाप है जो नहीं लेना है। अगर आप इस तरीके से नाप लेंगे तो आपकी कॉलर है जो बड़ी रह जाएगी, आपको राउंड में ही नाप लेना है। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे ये निशान लगाया है। इसके बाद मैं कॉलर की चौड़ाई बता दूँ, तो यहाँ पे कॉलर की जो चौड़ाई है वो मैं 1 इंच और 2 सूत रखूँगी। यानी कि इसमें जो छोटे छोटे से निशान आते हैं इंच टेप में, तो यहाँ पे मैं 1 इंच और 2 सूत रखूँगी, यानी कि 1.25 इंच। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। आप 1.25 से 1.5 इंच की कॉलर की चौड़ाई रखेंगे। अगर आप 2 इंच रखेंगे तो आपकी कॉलर ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी और 1 इंच रखेंगे तो आपकी जो कॉलर है ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो यानी कि आपको 1.25 से 1.5 इंच के बीच में कॉलर को तैयार करना है। यहाँ पे मैं 1.25 इंच रखूँगी। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से मैं इसमें गुलाई दूंगी। यहाँ पे ऐसे करके आपको गुलाई देनी है और ये हमारी कॉलर का जो मार्क है वो कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसी बुकरम के ऊपर जो हेल्प कॉलर है उसका मैं जो मार्क है वो करके दिखा दूँ। यहाँ पे इस साइड में मैं मार्क करके दिखाऊंगी
क्योंकि इसको हम सीधा कट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो कॉलर 12 इंच की, तो 12 इंच के लिए मैं आधा 6 इंच पे निशान लगाऊंगी, डायरेक्ट सीधा निशान लगाऊंगी मैं इसमें। ये देखिए एकदम सीधा निशान लगाना है इसमें 6 इंच पे। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो भी हमको 1/4 इंची रखनी है। और अब नीचे से हम आधा इंच, यहाँ पे देखिए आधा इंच से हम हल्का सा इसमें राउंड देंगे। ये देखिए ज़्यादा राउंड आपको नहीं देना है। और अब हम इसको ऊपर से ऐसे तिरछा करके और सीधा कर देंगे। यहाँ पे आपको आधा इंच से भी कमी रखना है ये जो नीचे वाला राउंड है। और यहाँ पे आपको सिंपली, आप देख सकते हैं हमने हल्का सा यहाँ पे राउंड दिया है इसमें, और बाकी हमने सिंपल ये बुकरम का मार्क, वो सॉरी कॉलर का मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हल्का सा राउंड दिया है और यहाँ पे हमने हल्का सा इसमें कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कम से कम आधा इंच का आपको डाउन रखना है ऊपर से। ऊपर मैंने 5.5 इंच रखा है और नीचे मैंने 6 इंच रखा है, यानी कि ये साइड हमारी नीचे रहेगी और ये साइड हमारी ऊपर रहेगी। ऊपर वाली जो साइड है वो आपको आधा इंच कर में सेट करनी है। तो अब मैं ये जो पेन कॉलर है, यानी कि जो हमारी ताबीज वाले नेक के लिए हम कॉलर तैयार करेंगे, तो इस वाले निशान पे से हम इसकी ऐसे कटिंग करेंगे। तो ये हमने कॉलर की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको कपड़े के ऊपर चिपका लूंगी प्रेस से। यहाँ पे आपको कम से कम आधा या 1/4 इंच कपड़ा नीचे की तरफ छोड़ के और प्रेस से इसको चिपका लेना है। आपकी चिपकने वाली बुकरम ना हो तो आप इस पे सिलाई भी लगा सकते हैं। ये मैंने कपड़े के ऊपर प्रेस से चिपका ली है। अब मैं जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी मैं कटिंग कर लूंगी। इसके बाद में मैं नीचे वाले कपड़े को ऐसे फोल्ड करूंगी और इस पे हल्की सी प्रेस लगा के, और फिर इसके बाद में हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ये वाला कपड़ा हम ऐसे ही छोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने प्रेस से हल्का सा मोड़ लिया है और अब मैं इस पे एक पैर का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में मैं ये कपड़ा लूँगी और इस कपड़े के ऊपर मैं इसको ऐसे रखूँगी। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको कम से कम आधा या 1/4 इंच कपड़ा नीचे की तरफ ऐसे छोड़ना है। और इसके बाद में ऐसे इसको रख के और यहाँ पे हम बुकरम के बराबर में इस पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सिलाई आपकी बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। अगर आपकी सिलाई बुकरम के ऊपर चढ़ेगी तो आपकी कॉलर ठीक से फोल्ड नहीं होगी। इसके बाद में यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ध्यान रखना है आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए और यहाँ पे हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे ऊपर की तरफ। और इसके बाद में अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे आपको कम से कम आधा इंच कपड़ा रखना है कॉलर से एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे अब मैं इसका 20 सेंटर करके और इसमें कट लगा लूँगी। अब मैं इस कॉलर को सीधी करके दिखाऊंगी आपको। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस पे ऐसे निशान लगाएंगे कॉलर के बराबर में, और अब हम अपनी कॉलर को सीधी करेंगे। इसके बाद में हम कॉलर पे प्रेस लगाएंगे। ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पे ये मार्क किया है, अब आप जब इसको अपनी कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे तो इस मार्क के ऊपर ही आपको सिलाई लगानी है। इसलिए मैंने ये मार्क किया है, यहाँ पे आपको इसके ऊपर सिलाई चलानी है और इजीली आपकी कुर्ती में अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी कॉलर बन के एकदम कंप्लीट है। आप देख सकते हैं अब आप इसको किसी भी कुर्ती के ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कॉलर बनाने का तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड्स, ये कपड़ा हमारा नीचे वाला स्टिचिंग में आ जाएगा तो ये कॉलर हमारी एकदम बराबर आएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।